पीओके में पाकिस्तान का जो पीओके पाकिस्तान और ये कश्मीर जो है नरसंहार होगा पीओके में। अच्छा, उसको आंदोलन को दबाने के लिए इधर नरसंहार करेंगे आर्मी, नॉट ओनली पीओके, बलूचिस्तान में भी होगा। यस, और सेपरेटिस्ट आदमी मूवमेंट बहुत जोर पकड़ लेगा उधर पाकिस्तान में। उससे बचने के लिए ये लोग इंडिया का अटैक करेंगे, अपना सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषणा कर सकता है। अच्छा, ऐसा भी एक बहुत बड़ी कदम उठाएंगे। यस, वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पास हो सकता है, लाएगा पार्लियामेंट जरूर। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी पास हो जाएगा, पार्लियामेंट आएगा जरूर। जी, मोदी जी शाह, उसके साथ पुतिन, ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान और इसका यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है ज़ेलेंस्की, हाँ ज़ेलेंस्की, इनका लाइफ के ऊपर विपद है। अच्छा, उनका लाइफ जो है थ्रेटनिंग है, लेकिन मोदी जी का या जीवन जाने का भय नहीं। अच्छा, क्योंकि मालिका में लिखा हुआ है वो उसका लास्ट टाइम बिताएंगे प्रभु के पास, जाजपुर में उड़ीसा में। यस, अच्छा, लिखा हुआ है 64 पटलों में लिखा हुआ है, वो 90 पेजेस में, 90 में सीधा लिखा हुआ है। लेकिन ट्रंप के लिए असुविधा है, शाह के लिए असुविधा है, नेताओं के लिए भी असुविधा है, उनकी जान को खतरा है, जान जा सकता है। एक्स कैटेगरी का सोलर स्टॉर्म क्रमावत आएगा, आपका एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा। अच्छा, एक आके बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, उसका लाइन लग जाएगा, लाइन लग जाएगा, उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट्स खत्म हो जाने चांस है। ये आपका मोबाइल फोबाइल कुछ शायद चलेगा नहीं कुछ दिन के लिए, या पूरा बंद हो जाएगा, सैटेलाइट भी बंद हो जाएगा। जो हम बात कर रहे थे, बहुत बहुत सारे बात किए हैं उसके बारे में, दैट इज गोइंग टू हैपन इन 25। तो मतलब उस समय अगर ये सब चीज़ें काम करना बंद कर देगा तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी आ जाएगा सामने? मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के लिए सब अभी नाउ एवरीबॉडी ट्राइंग, यू कैन फाइंड इन आपका जो ये यूट्यूब में, हाँ, बहुत सारे एपिसोड अभी आ रहा है मैकेनिकली कैसे प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बैटरी फैक्ट्री कुछ जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सस्टेनेबल है, सही बात है। तो वो चीज को बाय द हेल्प ऑफ टू फोर स्विंग्स ही दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक जनरेटर जरूरत है, वो तो हो जाए, कोई बात नहीं, दैट एनीबॉडी कैन मेक इट, नो प्रॉब्लम। अगर उससे कुछ टेक्नोलॉजी, सही टेक्नोलॉजी आ जाए तो फिर इसका चलेगा, सब्स्टिट्यूट बन सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो जाएगा कि हम लोग अंदर में रह जाएंगे, ऐसा नहीं। साउद अरब का मक्का मदीना में बहुत सारे कुलक्षण दिखा देगा। अच्छा, विलक्षण दिखाई देंगे, आपका जो ये ईगल आके बैठना उसके ऊपर, बल्चरा के बैठना उसके ऊपर, जो नकारात्मक जो संकेत है वो वहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, और ये आपका बारिश में, तूफान में बहुत सारे धन जीवन नष्ट होगा। अच्छा, मक्का में उसका जो मेन मस्जिद है काबा के पास, उसका ऊपर भी कुछ विपत्ति आएगा। अच्छा, उसके बाद मेन चीज होगा आपका जगन्नाथ मंदिर से, कहाँ पे? जगन्नाथ टेम्पल पुरी के इधर, जस्ट बिफोर आपका मिनसन योग का पहले हो और उसका बाद हो, और एक पत्थर गिरेगा मिनसन योग से ठीक पहले या फिर उसके तुरंत बाद, और एक पत्थर गिरेगा जगन्नाथ मंदिर से, मंदिर में। अच्छा, मंदिर का ऊपर बहुत बार ये चीज जो बल्चर चील जो है सब उड़ेंगे, बहुत सारे बार उड़ेंगे, ये भी एक नकारात्मक संकेत है, नेगेटिव साइन है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वल्चर सिटिंग ऑन दी ये आपका जो अरुण स्तंभ के ऊपर और एक और बैठेगा के, या नील चक्र पर बैठेगा। अच्छा, चांसेस है इतना। और मंदिर के अंदर ये जो सेवायत है सब, उन लोगों का बीच में हाड़काट होगा। अच्छा, फाइटिंग होगा, मतलब फाइटिंग होगा। और इसके अलावा बहुत सारे अविश्वसनीय घटना घटेगा मंदिर के अंदर, हाँ, नकारात्मक संकेत देगा वो सब, जिसके लिए ये नॉट ओनली इंडिया, भारत के नहीं,
और पृथ्वी के ऊपर जो विपद आ रहा है उसको विपद आएगा, विपद ही दिखाएगा वो। क्योंकि जगन्नाथ धाम तो वही है कि जब जगन्नाथ मंदिर में दिखाई देता है नक्षत्र संख्य है तो वो सारे जगत के लिए होता है, सारे पृथ्वी के लिए होता है, विश्व के लिए होता है। सही बात है। तो इतना ही मेरा था 25 के लिए। एक चीज, एक सवाल बस पूछ रहा था आपसे कि आपने ये जितने सारे चीजें बताए वो सब लगभग देखा जाए तो वो सब नेगेटिव साइन है, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव भी होगा? देखिए 25, 26, 27, 28 अगर मुस्लिम रूल नहीं हुआ तो ये 3 साल, 4 साल नकारात्मक संकेत 90% है, 10% पॉजिटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव क्या होगा? है नहीं रूल नहीं, 25 से भक्त लोग के बीच अंदर में हृदय में जागरण सूची होगा, एक धार्मिक भावना का जो जागरण जो है वो शुरुआत होगा। अच्छा, मतलब इतना मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि इतने सारे जो विपत्ति अपने सामने वो देखेंगे फिर वो त्राही मांग करके अपने आप को फिर भगवत दिशा में लेके जाएंगे। यस, ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा चीज एक है, भक्त लोग का मन में भय नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा भय दूर हो जाएगा, वो सफर करेंगे, बहुत सफर करेंगे। खाने के लिए एक बार 15 दिन नहीं मिला कुछ खाने के लिए, रहने के लिए सोने के लिए जगह नहीं मिलेगा अच्छा से, फिर भी बचेंगे वो, कुछ नहीं होगा उन लोग का, लेकिन मन में भय नहीं होगा। मृत्यु भय जो होता है ना, दैट भय विल नॉट बी देयर, व्हेयरएज इन फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स एवरीबॉडी विल फियर। जो धर्म के रास्ते में नहीं है उसका मन में भय पैदा होगा ही होगा, ये सोचेगा मैं बाहर जाऊंगा तो फिर वापस आऊंगा तो नहीं, ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा होगा सिचुएशन भारत में, सारा पृथ्वी में होगा ऐसा सिचुएशन, लेकिन भक्त मन में कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो भक्त है उनके लिए कुछ तो फील करेंगे, मेरे पास कोई खड़ा है मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे क्या करने के लिए, कोई माँ खड़ा है या हनुमान जी खड़े हैं या गरुड़ जी खड़ा है, कोई समबडी इज देयर। अच्छा, वो मतलब अपने ही अंदर एक ऐसा महसूस करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी, yes. कि somebody else, कोई तो मेरे साथ है। पॉजिटिव थिंग फॉर द भक्तज, भक्त लोग के लिए बहुत पॉजिटिव है जी, 25 से चालू हो गया पॉजिटिव। अच्छा, सारे भक्त लोग के मन में ये इच्छा जागृत हो जाएगा कि शायद और 1-2 साल के अंदर मैं प्रभु को दर्शन करूँगा। कली युग में बहुत बार बोला हूँ, कली युग बेस्ट युग है चारों युग में से, हर युग में प्रभु का अवतार लोग दिखते हैं लास्ट में, जो कोई भक्त लोग हैं दिखते हैं वो लोग, कली युग ऐसा युग है आप सबको देखेंगे अपना आँख में, विष्णु जी को देखेंगे, शिव को देखेंगे, ब्रह्मा जी को देखेंगे, इंद्र जी को देखेंगे, सब देवादेवी को देखेंगे, इससे बड़ी बात सब तो ऋषि को देखेंगे, भक्तों के लिए इससे बड़ी बात को देखेंगे, क्या बात है, बहुत बड़े द्वादश गोपाल को देखेंगे, हाँ हाँ सब प्रभु के पास हो गए ना। सही बात है। तो ऐसा युग अब कभी नहीं आएगा, नहीं फिर 10 साल आपका वेट, फिर 10 साल बाद आएगा, ये जो दिव्य समय जो है वो अभी आने वाला है, आने वाला है। क्या बात, वो सोच के भक्त लोग आनंद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, ठीक है, जितना कष्ट आता है आने दो, कोई बात नहीं, कष्ट करने से इष्ट मिलेगा, हम जितना कष्ट आने दो, प्रभु हमारा साक्षात होगा, प्रभु के हम दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मैं लास्ट में सब भक्त लोगों को एक प्रार्थना करता हूँ करने के लिए, हर टाइम हर वक्त प्रभु से प्रार्थना करिए, ये जो लिखा हुआ है 6 साल के 6.5 साल के लिए मुस्लिम गंडर में फिर जाएगा भारत, जाए पराधीन होगा भारत को 8वां व्यक्त करके फिर शासन करेंगे मुस्लिम लोग, ये ना हो, ये जो विधान है इसको आप काट दीजिए, भक्तों का बात प्रभु जरूर मानेंगे सब, अगर हम लोग मिलके एक साथ प्रभु को प्रार्थना करेंगे, प्रभु जितना दुख दीजिए दीजिए, लेकिन ये मत होना दीजिए, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मालिका में दोनों चीज लिखा हुआ है, 28 से अच्छा समय आ जाएगा, जी जी जी, ये सब खत्म हो जाएंगे, सब जितना जितने सुबह आए हैं भारत के अंदर सब चला खत्म हो जाएंगे, अब बाहर नहीं जा पाएंगे वो लोग। सही बात, सही बात। ये भी लिखे हैं कि 6 साल शासन करेंगे, दोनों चीज लिखे हुए हैं, तो पहला चीज जो खत्म हो जाएगा वही हो, ये 6 साल शासन कर जो कल लिखा है वो ना हो, वो ना हो, इतना आप सब प्रार्थना करिए आज से भी। चलिए चलिए, इतना मेरा विनती है, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मदद समय दिए हमारे दर्शकों को, और आपने जो प्रेडिक्शन है 2025 में क्या कुछ होने वाला है
भविष्य मालिका क्या प्रमाण देता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आपने बताया। तो फिर आप सुन रहे थे मालिका रिसर्चर और कलकुलर पुस्तक के रचयिता श्री पुलिन बिहारी पंडा जी को, जो कि बता रहे थे कि भविष्य मालिका भविष्यवाणी क्या प्रमाण दे रहा है 2025 में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 2025 पर सबका है नजर, क्योंकि 2025 में मीन शनि योग बन रहा है। तो फिर समय साक्षी है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भक्तों तक पहुंचाने का काम तो आपका ही है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय पंचसखा।